इस तेल का उपयोग बवासीर भकंदर जैसी समस्याओं में इस तेल का उपयोग किया जाता है। गुदा रोग जैसी समस्याओं को ये तेल जड़ से ठीक करने का काम करता है। फिसर है या फिर फाइल्स की समस्या है तो इस समस्या में इस तेल का उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं और किस प्रकार की दिक्कत और किस प्रकार की समस्या में आप इस तेल का उपयोग कर सकते हैं या फिर डॉक्टर के द्वारा किस प्रकार की दिक्कत या फिर कौन सा रोग रहता है या किस प्रकार की समस्या रहता है तब डॉक्टर के द्वारा ये तेल यूज़ करने के लिए दिया जाता है। ये तेल यूज़ कैसे करना होता है, ये तेल एक दिन में कितनी बार लगाना होता है, ये तेल कौन लगा सकता है कौन नहीं लगा सकता है, इसके बारे में आज हम आपको पूरा डिटेल से हिंदी में जानकारी देंगे। ये तेल एनल एरिया को लुब्रिकेट करने का काम करता है। ये तेल जैसे कि अगर आपको बवासीर या फिर भकंदर जैसी समस्याएं हैं और आप अगर स्टूल पास करने के लिए जाते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो ये आपको समस्या बवासीर की है तो आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, उसके बाद में आपका स्टूल पास होता है। ये तेल लगाते ही आपका स्टूल आसानी से हो जाता है और आपको जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और जैसे कि अगर आप जब जोर लगाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पर घाव की समस्या हो जाता है, खुजली होने लगता है, ईचिंग की समस्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा दर्द की समस्या हो जाती है, चुभन के जैसा महसूस होता है, तो इन सारी समस्याओं को ये तेल जड़ से ठीक करने का काम करता है। ये तेल डॉक्टर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है, जैसे कि स्टूल पास करते टाइम कट लगना, घाव होना, तो इन सारी समस्याओं को ये तेल जड़ से ठीक करने का काम करता है। और जैसे कि आपने देखा होगा जब किसी को बवासीर की समस्या रहती है तो अगर वो मल त्याग करने के लिए जाते हैं तो उस टाइम क्या होती है, बहुत ज़्यादा गुदा वाले रीजन पे काफ़ी ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है, जलन के जैसा महसूस होता है, काफ़ी ज़्यादा जलन रहती है, भभक के जैसा महसूस होता है। अगर वो शौच के लिए जाता है, मल त्याग करने के लिए जाता है तो वो एक घंटा डेढ़ घंटा कंटिन्यू बैठा रहता है, उसे दर्द की समस्या रहती है, तो इन सारी समस्याओं को ये जो तेल है एक प्रकार से जड़ से ठीक करने का काम करता है। ये तेल काफ़ी अच्छा तेल होता है, डॉक्टर के द्वारा ये तेल काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि अगर आपके एनल रीजन पर यानी गुदा मार्ग पर किसी भी प्रकार का कोई घाव की समस्या है या जलन की समस्या या भभक के जैसा महसूस होता है या फिर हम कह सकते हैं एक प्रकार से खुजली के जैसा महसूस होता है तो इन सारी समस्याओं को ये तेल ठीक करने का काम करता है। ये तेल काफ़ी अच्छा तेल होता है, बवासीर भकंदर जैसी समस्याओं को ये तेल जड़ से ठीक करने का काम करता है। ये तेल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। जैसे कि अगर किसी को बवासीर या फिर भकंदर जैसी समस्या रहती है तब डॉक्टर के द्वारा उसे लाल मिर्चा हुआ या फिर हम कह सकते हैं तला भुनी चीज़ें उसे कम खाने के लिए बताया जाए। जैसे कि अगर आपको बवासीर या फिर भकंदर की जैसी समस्याएं हैं तो आपको लाल मिर्चा एकदम नहीं खाना है, ना के बराबर खाना है, मसाले वाली चीज़ें एकदम बिल्कुल कम कर देना है। चलिए अब हम आपको बताते हैं ये तेल यूज कैसे करना होता है। जैसे कि ये तेल लगाने से पहले आप अपने हाथ को साबुन या डिटोल से धुल लें, धुलने के बाद में आप अपने हाथ को साफ तौलिया में पोंछें, पोंछने के बाद में ये तेल आप अपनी उंगली में लगा करके आप अपने एनल रीजन पर अप्लाई करें या फिर आप 3 ml या फिर 5 ml का सिरिंज ले लें, सिरिंज में 1 ml तेल आप भर लें, भरने के बाद में आप अपने एनल रीजन पर ये जो तेल है वो सिरिंज के माध्यम से लगाएं। ये तेल आपको दिन में 2 से 3 बार लगाना है। ये तेल आपको जो बवासीर या फिर हम कह सकते हैं भकंदर या फिर पाइल्स जैसी समस्याओं हैं अगर तो उसे ये जड़ से ठीक करने का काम करता है। ये तेल काफ़ी अच्छा तेल होता है, डॉक्टर के द्वारा ये तेल काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है। चलिए अब हम आपको इस तेल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताते हैं, इस तेल का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। जैसे ये तेल लगाने के बाद में अगर आपके एनल रीजन पे जलन की समस्या होने लगे, भभक होने लगे, खुजली की जैसा महसूस होने लगे या फिर खुजली चलने लगे तो ये तुरंत तेल बंद कर दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से तुरंत संपर्क करें। इसके अलावा यदि आपको और कोई दिक्कत और कोई समस्या है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के आप पास जाएं, आप अपनी दिक्कत परेशानी बताएं, उसके बाद में आप कोई दवा, कोई मेडिसिन, कोई तेल उपयोग करें। कभी भी आप कोई भी मेडिसिन आप अपनी मर्जी से उपयोग ना करें।